बजा रही है। थाना क्षेत्र फाफा मऊ के दूधापुर गांव के रहने वाले दो परिवार हैं जो उसी एक ही गांव के रहने वाले हैं और आपस में परिचित हैं। इनकी आपसी किसी रंजिश को लेकर के गोली चली है जिसमें 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें एक जो गंभीर रूप से घायल थे वहाँ अस्पताल में आकर के बेली में उनकी डेथ हो गई है और 2 लोगों का इलाज चल रहा है। फिलहाल अभी डॉक्टर उनको ठीक बता रहे हैं। जानकारी अभी वहाँ पर की जा रही है मौके पर इनकी जमीन के पीछे कुछ वजह क्या थी झगड़े के पीछे का, और फिलहाल अभी इनकी स्थिति ठीक है और टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही सबकी गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें रवाना है और जो भी इसमें शामिल लोग होंगे जो इसके पीछे होंगे सबको गिरफ्तार किया गया। क्या गोली किस चीज़ से चली, लाइसेंसी अवैध पिस्टल किसी? ये अभी जानकारी कराई जा रही है कि यूज़ किया गया वेपन्स कैसा था। अभी जो जानकारी थोड़ी तौर पर आ रही है वो अवैध इस्तेमाल था। सर HS जैद का नाम सामने आ रहा है गोली चलाई, इसको दिखवाया जा रहा है पूरा मौके पर जो फोर्स है हमारी उसको दिखवाया जा रहा है। विवाद किस चीज़ का था? ये आपसी इनकी रंजिश थी, हैं ये दोनों एक दूसरे के परिचित परिवार और एक ही गांव के हैं और आसपास के ही हैं, तो इनकी जो आप जो भी रंजिश थी वो आपसी थी इनकी। जमीनी विवाद को लेकर बता रहे हैं, उसको दिखवाया जा रहा है पूरी चीज़ों को। सभी पे मुहर लग गई थी भैया, पीछे पकड़ चल रहे हो अंदर में जाओ। हमारे चौकी चार्ज रहेंगे, हमारी सरकार है।